हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक। मैं डॉक्टर जिग्ना देसाई, आप सभी की और स्पिरिचुअल लाइफ कोच। मैं ये वीडियो स्पेशली मेरे फॉलोअर्स जो है उनके रिक्वेस्ट एंड डिमांड के ऊपर मैं लेके आई, क्योंकि बहुत सारे उनके सवाल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैं शॉर्ट वीडियो बना लूँ। बहुत सारे प्रश्न हैं काफ़ी लोगों के, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो ये बार जो दिवाली का प्रसंग है वो हर अलग अलग दो तिथियों में बट रही है। जैसे काफ़ी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, 22 को बनाना है या 23 को मनाना है, धनतेरस 22 को करनी है, 23 को करनी है। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज हर एक फेस्टिवल है वो दो दिनों में बटा हुआ, आधा इधर आधा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज। आप लोग अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, कुछ जो मुझे लग रहा है कि मुझे जो बताना चाहिए वो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो में कवर करने के लिए। मैं कुछ पॉइंट्स लिख के भी लाई हूँ कि मैं कुछ मिस ना करूँ। फिर भी अगर ऐसा लगे कुछ छूट गया तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डाल सकते हो, या हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ग्रुप, जहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री टिप्स वगैरह मिलती रहेगी, या आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला दिन जो है वो 21 तारीख है, 21st of October, जिसे हम कहते हैं एकादशी, जो स्टार्ट हो जाती है। एकादशी के साथ साथ वाघ बारस या वसु बारस जो कहते हैं, वो दोनों तिथियां साथ में हो रही है 21st of October, जो कि मैं आज ही ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, एंड 22nd October जो है तभी धनतेरस है। तो 22nd October से लेके 23rd October तक धनतेरस की तिथि रहेगी। इसके लिए काफ़ी लोग 22nd को धनतेरस मना रहे हैं, काफ़ी लोग 23rd को मना रहे हैं। ठीक है, एंड 23rd के बाद अगर हम कहते हैं तो 23rd का दिन जो है तभी काली चौदस भी है, काली चौदस भी कहा गया है। 24th को जो आ रहा है वो हमारा दिवाली का जो मेन दिन है, जब भी हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, चोपड़ा पूजन करते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने लिख के रखा हुआ, क्योंकि स्किप ना मैं कर जाऊँ इसके लिए। एंड 25 के बाद जो है ये 26 तारीख को गोवर्धन पूजा है, भाई दूज, एंड ये सारे एक साथ में हो रही है। एंड 25th अक्टूबर को ये साल सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण हम जो कहते हैं वो होने वाला है 25th अक्टूबर को। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं कुछ कहूँगी आपको। पहले हम शुरू करते एक एक चीज़ों के साथ। अगर आपको डिटेल में टाइम नोट डाउन करना है तो मैं लिख के लाई हूँ कि कुछ चीज़ें मैं स्किप ना करूँ। तो अगर हम देखते हैं धनतेरस को 22 अक्टूबर को, 22nd अक्टूबर को जो प्रदोष काल होता है वो 6:11 PM शाम को, 6:11 PM से स्टार्ट होके 8:40 तक है। ठीक है, 8:40 तक, 8:40 तक है। प्रदोष काल का मतलब होता है जो स्थिर लग्न हम जो कहते हैं ना, वो ये बहुत ही शुभ माना गया है। और इसके अलावा जो दूसरा और एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त जो इसी के बिटवीन आ रहा है, जो बेस्ट मुहूर्त अगर हम कहते हैं धनतेरस के लिए, तो है 7:34 PM से लेके 8:40 PM। ये है, मैं 22nd अक्टूबर की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आपने सुना। प्रदोष काल जो है वो 6:11 PM से स्टार्ट होके 8:40 तक है, और बेस्ट टाइम जो होगा वो 7:34 to 8:40 का। तो लेकिन आप ये जो पूरा जो ये टाइम है 6:11 PM से लेके 8:40 तक के बीच में, आपको अगर कोई भी चीज़ खरीदी करनी है तो आप ले सकते हो। जैसे धनतेरस के दिन अगर हम देखने जाए तो आप ज़्यादातर लोग गोल्ड खरीदते हैं ये दिन। कहा गया कि ये दिन गोल्ड खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जब हम गोल्ड जो लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी और कुबेर का प्रतीक है, तो ये दिन गोल खरीदने से कहते हैं माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होते हैं और साथ साथ लक्ष्मी जी भी आते हैं और कुबेर भी हम लेके आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सोना नहीं खरीद सकते, तो वो सिल्वर भी खरीद सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड नहीं खरीद सकते, हल्दी, टर्मरिक पाउडर जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो भी जुपिटर गुरु का कारक है, सोने का कारक है, तो वो भी आप खरीद के लेके आ सकते हो, है ना। या चने की दाल, मतलब सी अगर कोई ये भी नहीं कर सकता, मतलब गोल्ड या सिल्वर, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ। लेकिन अगर हाँ, आप अगर गोल्ड बाई कर सकते तो मिनिमम छोटे से छोटा जो मिनिमम चीज़ अगर आप छोटे से छोटा ले सको वो भी चलता है। एक कहते हैं ना, एक थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी के लिए या एक शुभ शगुन जो हम कहते हैं उसके लिए आप छोटी चीज़ भी लेके आ सकते हो ये दिन। तो आपको ये दिन गोल खरीदते तो बहुत ही अच्छा रहता है, और साथ में आपको ये दिन पूजा करनी होती जब हम गोल लेके आते। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगी।
ये दिन ब्रूम झाड़ू जो होता है नया झाड़ू वो खरीदना होता है। अभी आप पूछोगे पुराने झाड़ू का क्या करना, तो फ्रेंड्स याद रखना पुराना झाड़ू है उसको आपको दिवाली के दिन घर के बाहर नहीं निकालना है, गलती से भी दिवाली के टाइम नहीं निकालना, वरना ये होगा कि आपने लक्ष्मी को ही बाहर निकाल दिया है ना। तो या तो दिवाली के पहले निकाल देना था या दिवाली ख़त्म होने के बाद 25 के बाद आपको निकालना है। अगर जो पड़ा है पुराना उसको साइड पे रखे रहने दो, 25 के बाद बाहर निकालो। एंड धनतेरस के दिन 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक अगर आपको लेना है नया ब्रूम ला के खरीद के आप घर पे लेके आ सकते हो, गोल खरीद सकते हो। इस दिन हम जो कहते हैं ये कोड़ी जो होती है, स्पेशली येलो कोड़ी जो होती है, लक्ष्मी कोड़ी जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी महालक्ष्मी का कहते हैं ये रहता है उसमें उनका, तो वो भी आप खरीद के लेके आ सकते हो। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत उनको महालक्ष्मी को प्रिय रहती है, ये आप सारी चीज़ें अच्छी, जैसे कमल गट्टे की माला है, लोटस के सीड्स जो बोलते हैं, या तो आप उसकी एक माला खरीद लो, या तो 5, 11 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स में आप उसके बीड्स खरीद के लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी। और कुबेर पोटली भी होती है जो आजकल बहुत रेडीमेड मिल जाती है, या फिर आपको बनाना रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम मिक्स करके उसको बनाते हैं, जैसे चनोटी जो बोलते हैं वो डालते हैं हम, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दैट। वो हम कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, या मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँ, बट फिलहाल हम बात करते हैं। मेन है आपको झाड़ू लेना है, फिर गोल खरीदना है, ये कोड़ी ज़रूर आप खरीद लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और ये जो आपका जो धनतेरस जो स्टार्ट हो रहा है 6:00 आपका समझो ना, जो यह गोल्ड परचेज करने का जो टाइम है वो मैं आपको भी बता रही हूँ, 22 अक्टूबर से 6:02 PM से लेके मॉर्निंग 6:23 AM, दैट इज 23rd of October मॉर्निंग, एंड फिर 23rd अक्टूबर को मॉर्निंग 6:35 AM से लेके शाम के 6:03 कर PM तक आपको लेना। मतलब अगर ऐसे हम देखने जाते हैं तो 22 अक्टूबर से शाम के 6:00 से लेके नेक्स्ट डे 23rd 6:00 तक का मुहूर्त बहुत अच्छा है ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए, गोल्ड हो या फिर आपको कोई नई चीज़ें बाई करनी, व्हीकल बाई करना है, या फिर हम कहते हैं कि बहुत लोग नए बर्तन बाई करते हैं, या फिर आपको नया बुकिंग करना है नई गाड़ी का, या फिर एनीथिंग घर का बुकिंग करना है, तो ये दिन बहुत ही शुभ माना गया। और साथ साथ धनतेरस के दिन हम कहते हैं कि धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं, क्योंकि जब ये समुद्र मंथन हुआ था तभी महालक्ष्मी जी भी कलश लेके बाहर निकले थे, तो इसके लिए हम लोग ये दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, साथ साथ धन्वंतरी देव जो होते हैं ही इज़ हम कहते हैं ना आयुर्वेद के देव है, हर्ब्स एंड मेडिसिंस के देव है वो, तो इस दिन धन्वंतरी देव की भी पूजा करनी चाहिए। अगर उनकी मूर्ति वगैरह नहीं है तो आप नेट पे से उनका फ़ोटो निकाल सकते हो, धन्वंतरी देव डालोगे तो मिल जाएगा, और वो फ़ोटो को आपको चिपका देना है, आप मतलब आपकी पूजा के प्लेस में रखना है, और उनकी पूजा और उनके जाप उनके मंत्र उनके नाम का करना है। इससे क्या होता है कि आपके घर में या आप पे जो भी बीमारियाँ वगैरह वो सारी टल जाएगी, दूर हो जाएगी, इसके लिए हम धन्वंतरी देव की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये दिन, इसके साथ साथ धनतेरस के दिन आपको आपके घर में जो भी सोना पड़ा है, अपना गोल है, उसको भी साथ साथ आप, बहुत ही सिंपल रिचुअल है, आप क्या कर सकते हो, और काफ़ी लोग जो रहते हैं वो लगभग 5 दिन तक जो रहता है नीचे बिछाने का जो रहता है उसे क्या कहते हैं, हमारे गुजराती में उसे हम कहते हैं कि एक जब हम स्थापना के लिए एक ये रखते हैं, तो मतलब समझो ना एक प्लेट जैसा नीचे आपको रख देना, एक अच्छा सा रेड या येलो कपड़ा आपको बिछा देना, उसके ऊपर आप लक्ष्मी जी का भी आसन बना सकते हो। जब भी आप उनको स्थापित करो तो चावल का ढेर ज़रूर बनाना, मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो मैंने डिटेल में दिया हुआ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगी। तो 3 ढेर लगाने हैं, एक पे लक्ष्मी जी को विराजमान करना है, एक पे सरस्वती जी को करना है, और एक पे आपको गणेश जी पे करना है। हमेशा याद रखना गणेश जी की मूर्ति जो रहती है या फोटो, उनके राइट साइड पे लक्ष्मी जी होने चाहिए, है ना, उनके लेफ्ट साइड पे नहीं, गणेश जी के राइट साइड पे लक्ष्मी जी होने चाहिए, ठीक है। एंड लक्ष्मी जी के बाजू में होते हैं सरस्वती माँ, तो ये आप ऑर्डर ज़रूर ध्यान रखना। किसी किसी के मैंने यहाँ पे देखा फोटोज़ में रॉन्ग छिपा हुआ रहता है, तो रॉन्ग हो जाता है, वैसे कभी नहीं करना आपको, है ना। गणेश जी
उनके राइट साइड पे लक्ष्मी माँ, उनके राइट साइड पे माँ सरस्वती माँ, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं लक्ष्मी जी तो आती, लेकिन उसके साथ बुद्धि भी आनी चाहिए, है ना। और बुद्धि के लिए माँ सरस्वती माँ की भी ज़रूरत होती है, सद्बुद्धि माँ देती है, और गणेश जी के साथ सिद्धि बुद्धि साथ में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजा करने का नियम है, उनके लिए आप दीपक जला सकते हैं, फिर माँ लक्ष्मी जी के लिए जला सकते हैं दीपक, फिर सरस्वती माँ के लिए भी जला सकते हैं। नॉर्मल आप विधि विधान से कर सकते हो, उनको पहले पानी से स्नान करा सकते हो, फिर पंचामृत से करा सकते हो, अत्तर वगैरह डाल के, फिर वापस अच्छे पानी से साफ़ सुथरा करके उनको अच्छे नए वाले कपड़े से पोंछ के उनको आप आसन पे बिठा सकते हो, जो चावल का मैंने ढेर बोरा। एंड फिर आप जो मौली रहती है उससे आप ऐसा बांध के माता जी को, गणेश जी को, सबको वस्त्र भी पहना सकते हैं। और हल्दी का खास उपयोग किया जाता है, माँ लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय है, तो हल्दी का छिड़काव भी कर सकते हो, हल्दी से उनका पूजन कर सकते हो, अबील गुलाल से गणेश जी का, माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हो। माँ लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय है तो कमल भी आप चढ़ा सकते हो, है ना। और साथ साथ कुबेर जी की भी प्रार्थना करनी, उनका भी फोटो लगा सकते हो। ये सारा मैंने जो आपको नॉर्मल रिचुअल था वो बता दिया। और हाँ, आप जो झाड़ू लेके आए वो झाड़ू भी आपको साथ साथ रखना है, उसको लेटा के रखना है, खड़ा कभी भी नहीं रखना। झाड़ू घर के अंदर कभी भी स्टैंडिंग पोजिशन में नहीं होना चाहिए, और किसी के नज़र से दूर, कोई भी घर पे आता है तो उसकी नज़र के सामने नहीं आना चाहिए। उसको एक सेफ जगह नीचे के, मतलब जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं चाहिए, ऐसी जगह पे किसी का पैर भी नहीं लगना चाहिए। एंड जब भी पूजा करें तभी भी उसको सुला के रखना है, जो आप पूजा का सामान है वहाँ पे, और उस पे भी हल्दी कुमकुम थोड़ा सा चढ़ा सकते, क्योंकि तभी वो माँ लक्ष्मी के स्वरूप में, उनकी भी पूजा आपको करनी है। तो आप चाहे तो 2-3 दिन तक वो झाड़ू, जब तक पूजा का सामान रखे, बहुत लोग 5 दिन तक वो सारा रखते, तो आप सारी चीज़ें रख सकते हो वहाँ पे। इसके अलावा आप चाहो तो कलश की स्थापना भी कर सकते हो, है ना। कलश में आपको नारियल लेना है, और जो आंबे के पान रहते हैं वो 5 हम रखते हैं। पानी में आपको क्या डालना है, टर्मरिक पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी डाल सकते हो, 1 रुपीज़ का कॉइन, 1 सुपारी डाल सकते हो, लौंग रहती लविंग क्लोव वो डालना है, फिर सिनेमन स्टिक जो होती है वो डालना है। ये सारे इन्ग्रीडियंट्स बहुत ही शुभ होते हैं, चावल भी आप डाल सकते हो, है ना। तो ये सारी, ये बहुत सारी विधि आप मेरे लास्ट वीडियो में डिटेल में देख सकते हो। तो ये मैंने आपको नॉर्मल रिचुअल बता दिया, और इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछी थी कि यम दीपक। हाँ, तो एक्चुअली यम दीपक हम देखते हैं तो जब धनतेरस का दिन होता है, त्रयोदशी होती, तभी यम दीपक जलाना चाहिए। तो यम दीपक हम क्यों जलाते हैं, यम दीपक साल में एक ही बार जलाया जाता है, इसके अलावा हमें कभी जलाना नहीं चाहिए। क्योंकि यम दीपक मतलब यम के लिए, यम देवता, यम ये है जो जब लोग हमारी मृत्यु हो जाती है तभी यम लेने आते हैं ना। तो इसके लिए हमारे घर में या हमको किसी भी तरह का अकाल मृत्यु का भय ना रहे, किसी को घर में संकट ना आए, इसके लिए यम देव की पूजा की जाती है। और इनके लिए अगर आप चाहो तो बाजार से नॉर्मल दिया ले लो, या आटे का बनाने की प्रथा बहुत होती है, आटे जो आटा भूनते हैं उसमें सिर्फ पानी डाल के आपको आटा भून देना और दिए के शेप में बनाना देना, और 4 मुखी उसको बनाना है ना। तो 4 बाटी या तो 2 पीस में आप क्रॉस करके लगाओ, ये सिंगल 4 बाटी लगाओ, और उसमें आप सरसों का तेल आप उसमें डाल के वो दीपक लगाना। और ये दीपक कभी लगाना है, अभी इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। ये दीपक आपको शाम को जो प्रदोष काल होता है तभी लगाए तो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि रात में, देरी से रात में लगाना तो भी चलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये दीपक आप बाहर लगाते हो तो कहते हैं कि इस पर आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए। तो अभी आप सोचो कि हमने तो दिया लगाया, बच्चे तो बाहर खेलते हैं, फटाके लगाते हैं, उसमें आके फुलझड़ी लगाते, तो हम क्या करें। तो ये सारा भाई हमें बहुत अच्छा है, हमारे घर वाले कहीं बाहर गए, वो रात को घर लौटेंगे तो उनकी नज़र तो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, इस दिन बहुत ही अच्छा समय के 22 से लेकर 23 तारीख तक धनतेरस हो रहा है, तो आप अगर 22 को रात को भी जलाओ उसको 12 बजे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। लेकिन अगर आपका मन करता है जब शाम को दिया लगा रहे हो आप 6 बजे के बाद जो मुहूर्त है इसका, तभी भी आप दिया लगा सकते हो। उसको कहाँ लगाना, जब हम हमारे घर की दहलीज, हम हमारे घर के जब बाहर निकलते, समझो अभी मैं हूँ और यहाँ पे दरवाज़ा है, तो आपका जो राइट हैंड होगा घर का, घर के बाहर राइट हैंड साइड वहाँ पे लगाना, ठीक है। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो राइट हैंड साइड पे बाहर जाके लगाइए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉबी है या यू नो ओपन स्पेस है,
तो साउथ साउथ डायरेक्शन में जाके लगाना, क्योंकि यहाँ पे पितृदेव का भी स्थान होता है, तो साउथ डायरेक्शन में जाके लगाइए। एंड अगर आप घर के बाहर जब लगा रहे हो राइट साइड पे, तो भी उसकी जो बाती रहती है, अगर आप एक बाती लगा रहे हो तो उसका जो मुख है वो साउथ दिशा में होना चाहिए। आप चार लगा रहे तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, यम दीपक इज़ वेरी मच क्लियर। सरसों का तेल डालना है वो नहीं है, तो तिल का तेल भी डाल सकते हो, कुछ लोग उसमें काली तिल भी डालते हैं एंड कुछ लोग कोड़ी भी डालते हैं, एक कोड़ी आप डाल सकते हैं एंड 1 रुपये का कॉइन भी डाल सकते हो, ठीक है। एंड आपको ध्यान रखना है कि जो यम दीपक आप जलाते हो, बहुत लोग इसको 3 या 5 दिन भी जलाते हैं, अगर आपको एक ही दिन जलाना है, क्योंकि नरक चतुर्थी जो होती है उस दिन भी, और इस दिन 24 को ही नरक चतुर्थी है, दिवाली सब साथ में हो रहे त्यौहार, क्योंकि 23 को काली चौदस है। तो अगर आपको 3 दिन लगातार जलाना है तो 3 दिन भी आप जला सकते हो रात को, या तो 22 को सिर्फ जलाना है तो सिर्फ 22 को जलाइए। एंड ध्यान रखिए, जो भी दिए स्पेशली यम दीपक जो है उसको फेंक देना है, या नेक्स्ट डे पे आफ्टर द दिवाली पीपल के पेड़ के पास या तो आप रख के आओ हाथ जोड़ के नमन करके, है ना, बहुत ही प्यार पूर्वक आपको प्रार्थना के साथ उसको रख के आना। एंड जो भी जो पुराने दिए होते हैं वो आप अगले साल यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एवरी ईयर नया दिया खरीद के लाओ, है ना। बट यम का दीपक नया लेना, वो यूज़ रीयूज़ नहीं करना। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगी, देखो हम नए कपड़े खरीदते हैं, पुरानी चीज़ें फेंक देते हैं, है ना, तो दिया तो इतने बहुत ही इट्स वेरी रीजनेबल, तो दिया भी अगर खरीद सकते हो तो अच्छी बात है। न्यू ईयर मतलब यू नो एवरी ईयर नया ले सकते हो, इट हार्डली कॉस्ट एनीथिंग। बट हाँ, इमरजेंसी में अगर नहीं है, आप नहीं ला पाए, तो पुराने दिए यूज़ कर सकते हो। बट यम का दीपक कभी भी रिपीट नहीं करना, ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी मैं देखती हूँ, काफ़ी लोगों ने पूछे, मैं पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं मैं देख लेती हूँ क्या क्या लिखे हुए हमने। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, दिए के बारे में बता दिया, जो भी आपको चीज़ें खरीदी करनी है वो 22 को ले सकते हो, 23 को भी बहुत लोग ले रहे खरीदने जा रहे, तो वो दिन भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड काली चौदस के दिन कहा गया है, जैसे कि जब नरक चतुर्थी होती है, काली चौदस एंड नरक चतुर्थी, तभी ये दिन एक तो माँ काली माँ की भी पूजा की जाती है। एंड इस दिन ज़्यादातर देखा गया है, अगर बहुत लोग जो रहते हैं नरक चतुर्थी और इस दिन पे, नरक चतुर्थी मतलब छोटी दीपावली भी हम इससे कहते हैं, नरक चतुर्थी को नरकासुर का वध किया था माँ ने, इसके लिए नरक चतुर्थी भी, इस दिन के नाम से नरक चतुर्थी भी हुआ है, ठीक है। तो इस दिन काफ़ी लोग कहते हैं पूरे घर में वड़े बनाते हैं, सबकी अलग अलग परंपरा होती है, एंड वो लोग वो जो वड़े बनाते हैं वो पूरे घर में घुमाते हैं, एंड कहते हैं कि पूरा नज़र निकाल लिया, है ना, पूरे घर की नज़र निकाल ली और चार रास्ते पे जाके उसको पूजा करके वहाँ पे डाल के आते हैं, ठीक है। तो ये एक परंपरा होती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं कि अगर आप में ये परंपरा है ठीक है, बट कोशिश करना कि चार रास्ते पे जा रहे हो तो ऐसी जगह पे डालो, बीच रास्ते में मत डालो कि सारी गाड़ियाँ जाएगी, पब्लिक चल के जाएगी, तो इससे दूसरों को तकलीफ़ होगी। कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से लोगों को तकलीफ़ होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, चार रास्ते तक नहीं जा सकते तो अपने घर के बाहर जाके मेन गेट के पास, अगर आपको कहीं पर गटर या ऐसा कहीं पर लगे तो उसको साइड पर कहीं पर आप रख के आ जाइए, है ना, सिंपल। बहुत लोग क्या करते हैं, माँ काली के मंदिर, ये दिन माँ काली के मंदिर के दर्शन करने भी बहुत शुभ माना गया, तो या तो माँ काली के दर्शन कीजिए और साथ साथ हनुमान जी को भी आप जाके प्रसाद एज अ प्रसाद चढ़ा सकते हो, ये भी बहुत शुभ माना गया। तो अगर आपको रास्ते पे जाके नहीं डालना है तो भगवान जी को जाके चढ़ा के आइए, ये भी बहुत शुभ माना गया। तो ठीक है, मैंने ये टॉपिक भी कवर कर लिया जो हम घर का उतारा वगैरह करते हैं। एंड इन दिनों में जितना हो सके मॉर्निंग के टाइम पे अपने घर का जो, देखो हमारी मेट्स तो काफ़ी लेट आती हैं, उनका राह देख के हम बैठ नहीं सकते, तो मॉर्निंग एटलीस्ट दिवाली के दिनों में मॉर्निंग के टाइम पे कचरा घर के बाहर निकालना चाहिए। ध्यान रखना शाम के टाइम पे 5 बजे के बाद संध्या काल हो जाती है, कचरा बाहर कभी नहीं निकालना, कहते हमने लक्ष्मी निकाल दी, शाम को कभी कचरा नहीं मारना है, ठीक है। दिवाली के दिनों में एटलीस्ट 6 बजे के पहले 5 बजे तक आपको चाहिए तो पूरा कचरा निकाल लो एंड क्लीन कर लो घर को, है ना। इन केस 6 बजे तो मैं तो कहूँ मारो ही मत, अगर आप भूल गए तो छोड़ दो उसको, है ना, लेकिन संध्या काल को कभी कचरा नहीं मारना। तभी कहते हैं क्यों नहीं मारते, क्योंकि उस समय भगवान देवी देवता अपने घर में, उनका आने का टाइम हुआ रहता है ना,
तो उस टाइम पे आपको ज़रा भी कचरा वगैरह नहीं निकालना है। एंड मॉर्निंग को बता दिए कचरा जो हमेशा घर के बाहर ही होना चाहिए। और ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता है, कभी भी हमारा घर का सदस्य घर के बाहर जा रहा उसके इमीडिएट बाद में कचरा बाहर नहीं निकालना, वरना वो बंदा जहाँ पे भी जा रहा उसका कार्य सफल नहीं होता। ये ध्यान रखना, मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया, लोग कचरा निकालते तुरंत उनके हस्बैंड बाहर गए या घर का परिवार बच्चे बाहर गए, तुरंत कचरा बाहर नहीं निकालना। आधा घंटा 30 मिनट्स 1 घंटा रुक जाए, फिर कचरा बाहर निकालना। ठीक है, ये कुछ सारी चीज़ें हो गई। एंड ऑब्वियस सारे लोगों ने क्लीनिंग कर ली होगी एकादशी के पहले, जितना हो सके दिया। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि आजकल मैडम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल दिए मिलते, पानी वाले दिए मिलते, तो हमें क्या लेना चाहिए। देखो ये सारा मैं किसी यहाँ पे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कोई चीज़ को लेके, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी सबके अपने अपने तरीके। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, वो लोग दिया नहीं जला सकते, तो वैसे लोग के लिए इलेक्ट्रिकल दिए ठीक है ना, बट एज़ पर शो पर्पज़ भी वो अच्छा है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमें हमारा जो कल्चर है या हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा पुरानों में लिखा है, जो पहले से चलते आ रहा है, उसे नहीं भूलना है। मिट्टी का जो दिया रहता है, वो कहते हैं ना पृथ्वी तत्व जो रहता है, उसका दिया लीजिए, बहुत ही शुभ है। उसमें तेल डालिए, डेली बाटी लगाइए, दिया कीजिए। इसका जो एक्सपीरियंस रहता है ना, वो एक्सपीरियंस अलग ही होता है, नेचुरल दिए की बात अलग ही होती है। तो एटलीस्ट एक दिया ज़रूर जलाइए अपने घर के बाद। मैं तो कहूँ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में भी 6 बजे 7 बजे 5 बजे जब भी आप उठते हो दिया लगाइए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप 3 से 4 बजे उठ पाते हो तो तभी भी दिया लगाइए, बहुत शुभ होता है। शाम को दिया लगा देना 6 बजे, लाइटिंग लगाइए। एंड यस, जो आपका मेन द्वार है, हो सके उसको जितना डेकोरेटिव क्लीन रखना है करो, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कहा गया कि देवी देवता जब आगमन करते तो बाहर से ही दिखते हैं, वाह कितना अच्छा है इसका, कितना मतलब कचरा वाला नहीं, उसको जैसा भी है। देखो उसके लिए नहीं कि बहुत ही एक्सपेंसिव दरवाज़ा होना चाहिए, अगर आपका सिंपल दरवाज़ा है या छोटे घरों का दरवाज़ा, तो उसको भी आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो ना। हल्दी कुमकुम का आप स्वास्तिक बनाए, एकादशी होती है तभी आप स्वास्तिक बनाइए, कुमकुम से दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक बनाइए, फिर उसके ऊपर हल्दी लगाइए, है ना, ये डेली करिए आप। एंड जो अपना चौखट होता है दरवाजे की, उस पर भी मैं तो कहूँ डेली 5 दिन जो मेन दिन है दिवाली के, तभी डेली शाम के टाइम पे हल्दी से चौखट पे लगाना, बहुत ही शुभ है, लक्ष्मी का प्रिय है ये। एंड फूल बिछाइए, बहुत अच्छा है। एंड लक्ष्मी जी के जो हम चरण जो बनाते हैं पादुका, वो या तो रेडीमेड लगा सकते हो, या घर के बाहर अंदर आते हुए होना चाहिए, बहुत लोग बाहर लगा देते हैं, ऐसा गलती से भी नहीं करना। अंदर आते हुए पैर शुभ माने गए माता जी के, तो वो लक्ष्मी जी के चरण आप ड्रॉ कर सकते हो, उस पर भी कुमकुम लगाइए, हल्दी लगाइए। रेडीमेड लगाना तो उसके ऊपर, लेकिन तिलक ज़रूर करना कुमकुम एंड हल्दी का, ठीक है। जितना हम अपने हाथों से करते हैं ना, देखो घर की लक्ष्मी कौन होती है, जो घर की बहू होती है। मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये सारा करती नहीं है, उनको लगता कि मैं क्यों करूँ, मेरी सास करे। बट मैं कहूँ सास भी करे, आप भी करो, क्योंकि घर की लक्ष्मी जो लेडीज़ है वो लोग ही होती है। तो सास के बाद परंपरा किसे निभाना है, बहू को निभाना है। तो बेटी बहू को भी करना चाहिए, बेटी को तो अपने घर पे करना ही है, बट बहू को भी अपने घर में लक्ष्मी का जो कहते हैं हम रूप कहते हैं, तो बहू को तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। अगर वर्किंग है तो भी ठीक है ना, एटलीस्ट आके दिया ज़रूर लगाना चाहिए, अपने हाथों से शुभ माना गया, ठीक है। अभी और क्या है, फिर बाद में जो हम आते हैं ये इनके साथ साथ आपको कुबेर जी की भी पूजा करनी है। धनतेरस के दिन साथ साथ कुबेर जी का भी फोटो लगा सकते हैं। कुबेर जी का स्थान नॉर्थ दिशा में होता है, मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में है तो ठीक है, या ईस्ट वेस्ट फेसिंग होना चाहिए मंदिर का, है ना। और जो कुबेर जी का फोटो है वो आप फोटो या मूर्ति अगर ब्रास की ले सकते हो तो बेस्ट है, तो उनको नॉर्थ जगह पे स्थापित करना चाहिए, नॉर्थ दिशा में, ठीक है। एंड इसके साथ आपको उन सभी की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी गणेश जी से शुरुआत करनी है, लक्ष्मी जी की, सरस्वती माँ की, लॉर्ड कुबेर की, धन्वंतरी देव की, और यम का दीपक लगाना है। एंड बहुत सारे लोग 13 दीपक की भी प्रथा, उसकी भी डिटेल में स्टोरीज है, आगे देखूंगी अगर मुझे मौका मिला मैं बताऊंगी। तो 13 दीपक लगाने का एक ये है रिचुअल है, तो 13 दीपक भी सिंगल बाटी के साथ सरसों का तेल डालिए, 13 दीपक एक साथ आप जला सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्लियर हो गए। धनतेरस का क्लियर हो गया, आपको क्या खरीदना वो भी मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर फिर भी मैं कुछ, क्योंकि देखो मैं ये नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, मैं कुछ एडिट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप कुछ भी होगा तो कमेंट में डाल देना, मैं जवाब दे दूँगी उसका।
ये सारी चीज़ें होंगे 23rd को, जैसे मैंने काली चौदस बता दिया। 24th को जो है हमारा दिवाली है, साथ साथ अगर हम देखते हैं नरक चतुर्थी भी आ रही है, ठीक है। 24th के दिन आपको मैं अभी आपको बताती हूँ, 24 अक्टूबर जो है तभी चोपड़ा पूजन, बहुत लोग पूछ रहे कि चोपड़ा पूजन कभी होता है, तो चोपड़ा पूजन जो होता है इस दिन यहाँ पे जो बहुत लोग रहते हैं वो अपने ऑफिसेज में पूजा करते हैं, है ना, अपने ऑफिसेज में पूजा करते हैं, या अपनी जो बुक्स रहती है अकाउंट्स की बुक्स रहती है, या आप नई बुक खरीद के लाइए, रेड कवर होना चाहिए, नई बुक्स खरीद के लाइए और आप रखिए पूजा के लिए, है ना, इससे पूजा करनी शुभ मानी जाती है। तो चोपड़ा पूजन आप कर सकते हैं, इसका जो टाइम है वो 5:27 PM टू 6:10 PM का टाइम है 24 अक्टूबर को, फिर 6:10 से लेके 7:43 PM का टाइम है, फिर 10:49 से लेके 12:23 AM का भी टाइम है, देन अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग 1:56 AM से लेके 6:36 AM का भी टाइम है, ठीक है। एंड लक्ष्मी पूजन का जो टाइम है वो बेस्ट है 7:20 प्रदोष काल, जैसे 6:10 PM से लेके 8:39 PM तक है, एंड लक्ष्मी पूजा का बेस्ट टाइम है 7:26 PM से लेके 8:39 PM, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट आपको बता देती हूँ लक्ष्मी पूजन के दिन भी आपको क्या करना, अगर पहले ही दिन से आपने धनतेरस से ही लक्ष्मी पूजन सबका स्थापना कर ली तो आप इतने दिन रहने दे सकते हो, अगर धनतेरस के दिन आप लोग नहीं कर पाते हो तो आप दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन कर सकते हो कुबेर जी की। एंड ध्यान रखना जब भी लक्ष्मी जी की पूजा करते हो विष्णु जी को भी उनका भी आह्वान ज़रूरी है करना, क्योंकि कहते हैं ना विष्णु प्रियाय नमः नमः, तो लक्ष्मी जी के बहुत प्रिय है विष्णु जी, तो विष्णु जी का भी आह्वान ज़रूर करना, क्योंकि वो दोनों साथ में ही आते हैं, वो खुश हो जाते हैं, तो उनका भी आह्वान ज़रूर करना, विष्णु जी का जाप करना है, माँ लक्ष्मी का श्रीम और भी मंत्र है जो उनका जाप करता है, ओम गणेशाय नमः, माँ सरस्वती जी का मंत्र है, ये सारे जाप आपको उनके करने हैं। अभी मैं अभी आपको और दो तीन चीज़ फटाफट बता देती हूँ। 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है बड़ा, वो लगभग शाम को लगने वाला है, 4:18 PM से लगेगा ये 25 अक्टूबर को, ठीक है। एंड 25 को ग्रहण लगने वाला है, हो सके तो बड़ा सूर्य ग्रहण है, हो सके तो इस टाइम, बहुत लोग ने पूछा कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट ये टाइम, क्योंकि बड़ा सूर्य ग्रहण है तो इस टाइम पे बाहर ना निकलो, या तो उसके पहले आप निकल जाइए कि सूर्य ग्रहण होने के पहले आप पहुंच जाओ, एंड जब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद घर के बाहर निकले, कोशिश करना इमरजेंसी नहीं हो तभी तक वो टाइम पे बाहर नहीं निकलना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। एंड और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, 26 तारीख को जो है वो गोवर्धन पूजा भी है, भाव बीज हम जो बोलते हैं या भाई दूज और न्यू ईयर, तो ये सारी जो है त्यौहार ये 26 को होगा क्योंकि 25 को ग्रहण लग रहा है, ठीक है। तो अभी हमने 25 के बारे में बता दिया आपको, 24 का मैं आपको लक्ष्मी पूजन के बारे में कुछ अगर मुझे याद आए तो मैं बता देती हूँ आपको लक्ष्मी पूजन करना है, एंड आपने जो झाड़ू रखा है वो आपको उठा लेना है तो उठा ले सकते हो उसके पहले, या 3 दिन रखना है तो 3 दिन भी आप रख सकते हो, 22nd, 23rd, 24th, 25th तक रख सकते हो, या 5 दिन रख सकते हो या 3 दिन रख सकते हो, ठीक है। यम दीपक बहुत लोग 3 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, आपको करना है, ज़्यादातर लोग 22 तारीख को करने वाले हैं तो 22 तारीख को भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 23 तारीख को करना है तभी भी कर सकते हो, ठीक है। या तो लगातार लाइन से 3 दिन करो, या 1 दिन करो, या 5 दिन करो, वैसे आप कर सकते हो। आई होप दिस इज़ वेरी मच। एंड हाँ, जो यम दीपक में आप कोड़ी वगैरह डालते हो, कोड़ी एंड 1 रुपी का कोई, वो आप चाहे तो कोड़ी जब ये हो जाएगा दिया ख़त्म तभी उसमें से कोड़ी निकाल के आपको वो क्लीन करके आपको अपने तिजोरी में रख देनी, या बहुत लोग वो कोड़ी एंड सिक्के को जाके पीपल के पेड़ के पास रख के आते हैं, या तो फिर आप सिक्का और कोड़ी को लेके अपने तिजोरी में रख सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक आई एम डन विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स, चोपड़ा पूजन के बारे में भी मैंने बता दिया, एंड वॉट एल्स और मुझे क्या लोगों ने पूछा था, हाँ तो मेन यही चीज़ें थी। हाँ, बहुत लोगों ने ये पूछा था जिनके घर पे क्या जेंट्स पूजा कर सकते, ऑफकोर्स क्यों नहीं कर सकते, अपने बच्चे हैं बेटी है उनको बताइए, अगर कोई लेडीज़ का जो साइकिल चल रहा है तो वो नहीं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट जिनके घर में अगर और कोई नहीं हो करने वाला, मैं निवेदन करना चाहूँगी मिनिमम 3 दिन, एटलीस्ट 4 दिन होना ज़रूर, 3 दिन के बाद हेयर वॉश करके करना, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि दिवाली वगैरह की आपको पूजा 3 दिन बाद करनी चाहिए, इट शुड बी डन ओनली आफ्टर 4 या 5 डेज, है ना।
अगर देखो आप माता जी से मन ही मन में प्रार्थना कर लो, कुछ ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप पूजा नहीं कर पाए तो लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होगा, ऐसा नहीं, पूरी मन से श्रद्धा से, क्योंकि हम भी एक लेडीज़ है, माँ लक्ष्मी भी एक देवी है ना, तो वो हमारी पूजा ज़रूर स्वीकारेगी। तो आप दिल से उनको ये करो, अगर आपको लगता है कि आपका दिवाली में आप नहीं कर पाओगे तो हस्बैंड के पास करवा लीजिए, है ना, या तो सिर्फ मन से उनको प्रार्थना करो, बट एटलीस्ट 3-4 दिन तक तो आपको नहीं हाथ लगाना, दूर से उनको प्रणाम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिल से सच्चे भाव से पूजा की गई वो भी सच्ची भक्ति होती है ना, तो वो सारी चीज़ें अगर हम नहीं कर पाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं लेना, ज़रा भी मूड ख़राब नहीं करना, खुश होना है और जितना हो सके माता जी की प्रार्थना करनी। एंड जो अमावस्या जो है, ये जो ग्रहण लग रहा है, उस दिन कहा गया है कि जितना हो सके, हमारे गुरुदेव हमें कहते हैं कि इस दिन जितना हो सके आपको जाप करना, आपको जितने भी जाप आते भगवान के, देवी के नाम आते, उन सभी के आप जाप कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन विथ ऑल द थिंग्स, मैं देख लूँ एक बार जो मैंने लिखा हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है, सारे त्यौहार के बारे में बता दिया है, तो मेरी सभी से यही प्रार्थना रहेगी एंड माता जी से भी यही प्रार्थना रहेगी, माँ लक्ष्मी, माँ कुबेर जी, गणेश जी सभी के आशीर्वाद, धन्वंतरि देव, माँ सरस्वती माँ सभी के आशीर्वाद आप सभी पे रहे जो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं एंड जो नहीं देख रहे उनके लिए भी। एंड अगर आप कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मुझे खुशी होगी और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और आपको यू नो वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि अगर लाइक्स नहीं आएगा, कमेंट्स नहीं आएगा, तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलता, हमें लगता है हम क्यों बनाए, है ना। तो अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी लगी है या क्या मुझे चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर, या अगर मुझे मौका मिला, मेरा अगला वीडियो आप देख सकते हो, मैंने लक्ष्मी पूजा वगैरह कैसे करनी उसके बारे में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई, ठीक है। जितना हो सके फूलों से घर को महकाइए, धूप बत्ती कीजिए, हो सके तो जो अपना ये, हाँ, रंगोली ज़रूर बनाना है, रंगोली बनाना नहीं भूलना है, एंड हो सके तो हल्दी है उसका यूज़ भी बाहर चौखट पे ज़रूर करना है आपको, है ना। तो जितना हो सके बस खुशियों का त्यौहार है, बस मतलब बस खुशियाँ लेके आइए हर किसी के लाइफ में, ईश्वर से यही कामना कि हर किसी के लाइफ में ये इतने सालों का जो कोविड में हम लोग सब हैरान थे, उसके बाद ये साल जब लोग खुशियाँ मना रहे, तो मेरी यही इच्छा है प्रभु से कि सभी की दिवाली बहुत ही अच्छी जाए। अगर कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप लोग नीचे कमेंट में डाल सकते हो, या मेरे फ्री ग्रुप्स चलते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी, वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं आपके जवाब दूंगी। मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड यस 21st को मेरा आज ही के दिन, एंड 22 को भी डिश TV है, D2H TV है, उस पर मेरा दिवाली का स्पेशल एपिसोड भी लाइव टेलीकास्ट उस पर होने वाला है, तो वो भी आप मेरा देख सकते हैं 21st and 22nd को, मैं हो सके तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे डाल दूँगी। सो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। मैं एक बार गो थ्रू कर जाती, कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि फिर मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी ये वीडियो को। सो आई एम डन विथ ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, सारे क्वेश्चन जो मुझे मेरे फॉलोअर्स ने पूछे थे मैंने सारे सवालों का जवाब कर दिया है। बाकी इसके अलावा क्रैकर्स वगैरह जलाते तो थोड़ा सावधानी से जलाना, ध्यान रखना, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा दूर रखना, स्पेशली आँखों को दूर रखना, चश्मा पहना के करो कि सीधा आँखों में ना जाइए, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू सो मच, तत्सत।